दर्शन करने के बाद अब ध्रुवकुंड में यहाँ पे हम लोग आए हैं मानस मंदिर में। ये भी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा मंदिर है और अभी पूरा अच्छे से सजा हुआ है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको इस मंदिर के पूरे फुटेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी और यहाँ पे हर चीज़ का एक अच्छा सा एक मॉडल बना हुआ है, मतलब कि जो पूरी जन्माष्टमी होती है वो भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी और पूरे वीडियो में आज के उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सामने कृष्ण जी का है जहाँ पे कि ये आप देख रहे हैं। डैडी ये क्या है, ये नाग वाला था? ये जो नाग वाला है इसको क्या था? ये हाँ चला गया था ना उसमें, तो सब पता है भैया। और ये देखिए यहाँ पे कुछ जो मूवेबल चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे दर्शन करेंगे। कौन से भगवान है रेडी? कौन से भगवान है? यहाँ पे भाई ये राम भगवान का मंदिर है। अरे अरे अरे, तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर पे आए हैं और यीशु को भी यहाँ पे खेलने की बड़ी अच्छी जगह मिल गई है और यहाँ पे भी एक उससे छोटा बच्चा मिल गया, उसी के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं। ये एकदम घूम के रहा है मंदिर में अकेले। ये देखो बाबा बन के पूरा घूम रहा है और इसके पीछे पीछे भाई पूरा डैडी देखने के लिए उसको। यहाँ पे हम लोग ग्राउंड फ्लोर का सारा हो चुका है, भगवान ने दर्शन भी कर लिए और जो नीचे थोड़ा सा वहाँ पे झांकी लगी हुई थी वो सब भी देख लिए। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर पे और ये देख सकते हैं मम्मी और सलो जा रहे हैं, वहाँ का भी सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस समय हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं और अभी यहाँ पे मतलब एक एरिया है जो कि बहुत अच्छा है और सारे लोग यहाँ पे फोटो वगैरह भी ले रहे हैं और यहाँ से बहुत अच्छे एक मतलब मान सकते हैं कि एक सिनेमेटिक व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे इतने से झाला लगा रखे हैं और एक अच्छा सिनेमेटिक व्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और फर्दर दोस्तों यहाँ पे अभी आगे की तरफ भी एक जो है लगाया गया है, वहाँ की जो टिकट है वो 10 रुपये की है और वो भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा। एक बार गए थे वहाँ पे बट वहाँ पे जो फुटेज थी वो फोटो की थी, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं था, फोन नहीं था तो वो कवर अप नहीं होता, बट आज कवर अप करेंगे उसको। यहाँ पे इसी को घूमने की बहुत ज्यादा जगह मिल गई एकदम। अरे रुक जाओ टिकट, हाँ टिकट दिखा, अरे पकड़ो उसको। अब देखो अब यहाँ से एंट्री करेंगे और पापा टिकट सबकी लेकर आए हैं, फिर यहाँ से एंट्री करेंगे और यहाँ पे 10 रुपये की टिकट है। यहाँ देखिए यीशु पूरा अपना घूम रहा है बढ़िया से और ये पूरी मेरी फैमिली पीछे से आ रहे हैं हम लोग और यहाँ पे ज़्यादा प्यारा मतलब ये देखिए। तो यहाँ पे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत पसीना हो रहा है, मतलब चंद में लगा गया था वो ऊपर गीला हो गया और भीड़ भी यहाँ पे मतलब अभी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते पर ठीक ठाक है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे सेक्शंस बनाए गए हैं जहाँ पे कृष्ण जी के बारे में हर चीज़ यहाँ पे अच्छी तरीके से एक मतलब एक मिनी मॉडल के जरिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है।
करो। सो यहाँ पे अभी अभी सब यहाँ पे सेक्शन कवर करने के बाद एक आपको यहाँ पे जो एक कह सकते हैं कि जो सर्कल कवर है वो भी यहाँ पे लेंगे अभी। जब दोस्तों हम गए थे वहाँ पे वृंदावन में तो भी वहाँ पे ऐसी चीज़ें थी बहुत सारी, और अभी यहाँ पे एक लास्ट सेक्शन है उसको कवर अप करेंगे, उसके बाद सर्कल का एरिया वहाँ पे लेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे टिकट वगैरह देख के हम लोग इसको झांकी कहते हैं ना, ठीक झांकी कहते हैं ना, तो अब वहाँ पे हम लोग झांकी वगैरह देख के यहाँ पे आ चुके हैं। और वहाँ पे जो टिकट का दाम था 50 रुपये था, बाकी सब जगह जा चुके हैं और यहाँ पापा सब घूम रहे हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि ये सावन का चल रहा सीजन इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है ना, ऐसे कुछ है ना, नहीं तो ऐसे तो झालर उलर मतलब जलता तो है नहीं सावन के महीने में। सावन अभी दोस्तों सावन के महीने में पूरा मानस मंदिर अच्छे सजा हुआ है, और अब यहाँ से करेंगे हम लोग मंदिर से एग्जिट और जाएंगे हम लोग गाड़ी चौका रेस्टोरेंट में, वहाँ पर अभी अभी खानों में खाना है सुबह से लेकर। तो अब यहाँ पे दोस्तों फाइनली मंदिर से यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, और भाई ये लास्ट फुटेज मंदिर के, और भाई अब चलेंगे उसके बाद अब यहाँ से चलेंगे। जरा भाई यहाँ का जो है बहुत सज रखा है, और आसपास भी यहाँ पे देखिए गार्डन लगा हुआ है, सामने आप देख सकते हैं कि वो फाउंटेन लगा हुआ है जो कि वो भी बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। देखिए और अभी इसके अगर आसपास के और के एरिया को देखा जाए तो यहाँ पे और भी गार्डन बने हुए हैं, और वहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, और इधर भी एक हम लोग का फाउंटेन बना हुआ है। हम लोग आए तो फाउंटेन जो था वो आपको दिखा रहे थे, बट पापा कहेंगे अब जब आए तो भाई पूरा घूम ही लेते हैं यहाँ थोड़ा सा फाउंटेन के भी। देखिए भाई कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये फाउंटेन, यहाँ से बहुत प्यारा फाउंटेन लग रहा है। और भाई ये रहा मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पे आप पार्टी का रेस्टोरेंट जाना है तेलियाबाग में, लोग यहाँ पे ई रिक्शा लिए हैं, और इसमें क्या है सीट वाला जो है वो ओपन नहीं है, यहाँ से ये रोड क्लोज है भाई कि हम आगे बैठेंगे, बाकी जितने भी कितने लोग बचे 5 लोग, 5 लोग भाई कैसे बैठ जाते पीछे बैठेंगे। ये रहा ये मानस मंदिर, और इसके आस पास खुला कि नहीं है ये रस्ते। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पार्टी का रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं, और भाई ई रिक्शा पे हम लोग आधे घंटे बैठे, और हम और मेरे भाई आगे बैठे थे, मेरा तो हाथ दर्द करने लगा, तुम बताया यार मेरा दर्द कर रहा है। हाँ एक साइड बैठे और थोड़ा दिक्कत हुआ, और पूरी फैमिली आ रही है। ऊपर भी तो है शायद उधर बने तो चलो ऊपर बैठे। हाँ वही कह रहे थे बाहर से ऊपर वाले चले जाएंगे। कहाँ पे भैया? ऊपर वाले। हाँ वही कह रहे थे। तो भाई साहब अभी तो यहाँ पे आएंगे ना, फुल है भी ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ देखते हैं भाई वहाँ क्या सीन है। कहाँ से ऊपर वाला? अरे अंदर है। हाँ अंदर से। तो भाई ये है सेकेंड वाला। भीड़ कहाँ होते देख लेते ना। अरे मामा का जब वो था बर्थडे, अरे जो भी था तो हम लोग यहीं पे तो आए थे ना। सीट खाली है भैया? जय हिंद। चलो दोस्तों अभी यहाँ पे उसकी जो सेकंड वाली बिल्डिंग वहाँ है, क्योंकि भाई वो तो पूरा फुल अप है, और साहब अभी इतनी जोर की भूख लगी है भाई, मतलब बस जल्दी से खाना है और खाना खाए। और हमको लग रहा है कि लग रहा है यहाँ पे भी ऐसे सिक्योरिटी लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे
भी इधर वाला जो शेल्फ है जहाँ बैठ के खाना टेबल चेयर वही भरा है, और ऊपर गए ना वहाँ पर रखे मानने वाली जगह थी, बट यार वहाँ जाना नहीं क्योंकि नहीं हो पाता है, साड़ी वगैरह पहनी है। तो भाई अभी यहीं पे हैं, वेटिंग बैठे हुए हैं और जाएंगे अभी। दोस्तों अभी बहुत देर के बाद यहाँ पे हमको सीट मिली है और भाई मम्मी बैठी हैं आज। मम्मी क्या खाना है? मम्मी का है कि भाई छोले का है? बाटी चोखा नहीं खाना है? मतलब नहीं खाना है, मतलब रोहन भी नहीं कैटेगरी का है ना, मतलब बाटी चोखा नहीं खाना है, कुछ अलग सोच नहीं, थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा। मेरे में से तो मिल रहे हैं सर आपको, देखो रोहन क्या रहा है, मेरे में से मिल रहे सर, ये भाई पापा बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, और अच्छा सा भाई एक लाइट भी लगाया मस्त एसी के पास है। डैडी क्या सोच रहे हैं? डैडी तो आया भाई स्पेशल कि हम तो आज को पार्टी जो खाएंगे, टेम्पो में सोते हुए हैं क्या? टेम्पो में सोते हुए हैं, टेम्पो का हम भी सो गए यार, इतना अच्छी हवा चल रही है, एक साइड लटके। बाटी चोखा हम लोग आ चुका है, अब बस दाल और चावल आना बाकी है। बाटी ये सब चटनी चोखा ये सब, और ये फैमिली मेरी, मम्मी बाटी चोखा नहीं खाना चाह रही थी मगर कुछ और जो था वो बहुत लेट में आ रहा था, वो नहीं बनाया भाई।